सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ये तो आपको टाइटल थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि टाइटल पे लिखा है कोंकण रूट वर्जन 5। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक मस्त बढ़िया सी जर्नी करने वाले हैं और आज की जो हमारी जर्नी है दोस्तों वो होने वाली है राजधानी एक्सप्रेस पे। जैसे कि यहाँ पर आप टी बोर्ड देख सकते हो और जो रूट है दोस्तों वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि आज हम लोग कौन से रूट पर जर्नी करने वाले। तो फाइनली दोस्तों, कोंकण रूट वर्जन 5 का सेकेंड गेम प्ले आज आप सभी के सामने में लेके आ गया हो दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से गए सब लोग कमेंट कर रहे थे कि यार कोंकण रूट वर्जन 5 का क्या हुआ, कब आएगा, कुछ गेम प्ले नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तो गाइस, थोड़ा मतलब वर्क स्टॉप हो गया था कोंकण रूट वर्जन 5 का, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्क एकदम प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है दोस्तों और वर्जन 5 बहुत जल्द आपको देखने मिलने वाला है। और आज के इस वाले वीडियो में दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो आप पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं इसी वाले वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कोंकण रूट वर्जन 5 के बारे में और आपके भी दोस्तों सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कोंकण रूट के रिलेटेड। और कब दोस्तों ये वर्जन 5 आप सभी को देखने मिलेगा उसकी कन्फर्म रिलीज डेट भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज का ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों कोंकण रूट के रिलेटेड। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, सीनरीज को इंजॉय करना और मस्त। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। और फिलहाल ये आप सीनरी देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे कोंकण रूट वर्जन 5 की ही अपडेटेड सीनरी है। और ये जो मतलब अभी आप फिलहाल देख रहे हो, अभी हमारी ट्रेन करंजाड़ी स्टेशन पर, विन्हेरे स्टेशन पर दोस्तों अभी हमारी ट्रेन अराइव हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बस मेन लाइन से लूप लाइन पर अब हमारी ट्रेन आ रही है। और यहाँ पर विन्हेरे स्टेशन पे दोस्तों हमारा ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा विन्हेरे की भी सीनरी दिखानी है विन्हेरे स्टेशन की, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो यार थोड़ा एक मिनट का हॉल्ट ले लेते और आपको प्रॉपर तरीके से सीनरी एकदम दिखा दूँ मैं। और जैसे कि प्रीवियस इसमें भी आपने देखा होगा, जैसे हम टनल के बाहर निकले उसके बाद की भी सीनरी आपको कैसी लगी ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। और आज के इस वाले वीडियो में दोस्तों आपको सबसे बेस्ट सीनरी कौन सी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपको कौन सी सबसे मस्त मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी, सॉरी हाई प्रायोरिटी नहीं, सबसे हाई मतलब हाई क्लास सीनरी आपको कौन सी लगी ये आप कमेंट करके बता देना टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि मतलब फ्यूचर में जैसे मैं अपडेट करते जाऊँ तो उस हिसाब से मैं उसको सीनरी को अपडेट कर सकूँ। और यहाँ पर देख सकते हो विन्हेरे के प्लेटफॉर्म पे फाइनली हमारी एंट्री अब हो चुकी है दोस्तों, और देख सकते हो विन्हेरे स्टेशन। तो आप में से कोई विन्हेरे का होगा तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रियलिस्टिक से मैच हो रहा है कि नहीं रियल विन्हेरे स्टेशन से। मतलब मैंने तो गाइस पूरी मेरी कोशिश की है रियल बनाने की, लेकिन अगर आप में से कोई विन्हेरे स्टेशन पे उतरा होगा तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना ये रियलिस्टिक से मैच हो रहा है कि नहीं। और सीनरी भी दोस्तों पूरा देखना, मतलब वीडियो पूरा देखना, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सीनरी कोंकण रेलवे से मैच हो रही है कि नहीं, या फिर कोई और मतलब कुछ और अपडेट में आप को करूँ सीनरी के बारे में वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेन को रुकाएंगे और फिर मैं आपको एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ हमारे विन्हेरे स्टेशन का। और यहाँ पर देख सकते हो विन्हेरे स्टेशन पे आपको एक मेन लाइन और दो लूप लाइन देखने मिलेंगे दोस्तों, और सामने ही मस्त बढ़िया सा पहाड़ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक मतलब मस्त निसर्ग के इसमें पला हुआ दोस्तों हमारा विन्हेरे स्टेशन है, मतलब एकदम नेचुरल ब्यूटी है दोस्तों, फुल ग्रीनरी ग्रीनरी से ढका हुआ है दोस्तों हमारा विन्हेरे स्टेशन कोंकण रेलवेज का। रियल लाइफ में भी और मतलब गेम में भी मैंने बनाने की कोशिश की है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारा एरियल व्यू विन्हेरे स्टेशन का। तो कैसा लग रहा है यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ अगर चेंजेस करने होंगे विन्हेरे स्टेशन के बारे इसमें तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपकी आपको कोई चेंजेस करने होंगे तो ये वाले रूट के रिलेटेड, अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ट्रेन बस बढ़िया तरीके से लूप लाइन पर आ चुके हैं विन्हेरे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दोस्तों ये नज़ारा आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा था, सामने मस्त पहाड़ और फिर हमारी राजधानी एक्सप्रेस जो कि ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको सीनरी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। तो चलिए बहुत हो गया हॉल्ट, अभी हम सीधा निकल लेते हैं नहीं तो हमारी राजधानी एक्सप्रेस डिले हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए
शुरू करते हैं दोस्तों अभी हमारी जर्नी। एंड अभी हमारी रियल जर्नी शुरू हो चुकी है दोस्तों विन्हेरे टू करंजाड़ी। और टाइमिंग आप देख सकते हो दोस्तों 2:21 पे हम लोग ने विन्हेरे स्टेशन से डिपार्चर लिया है। और ये गाइस मतलब ये वाला जो कोंकण रूट का वर्जन 5 अपडेट आपको देखने मिलने वाला है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपको जितने भी स्टेशन के बीच में के डिस्टेंस है दोस्तों वो सब रियल लाइफ डिस्टेंस है दोस्तों। रियल मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में जितने किलोमीटर्स के डिस्टेंस है उतने किलोमीटर्स के डिस्टेंस दोस्तों आपको ये वाले वर्जन 5 में भी देखने मिलने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस थोड़ा रूट आने में टाइम लगा, लेकिन गाइस रूट मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आपको गाइस रूट एक मतलब 100% अच्छा ही लगेगा, क्योंकि गाइस इतना मतलब एक्सटेंड भी किया है रूट को। पहले जो वीर टू खेड़ का डिस्टेंस था दोस्तों वो ऑलमोस्ट 10-20 किलोमीटर्स का ही था, लेकिन जो वर्जन 5 में जो अपडेट किया है दोस्तों तो अभी खेड़ टू वीर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स का दोस्तों ये डिस्टेंस हुआ है। मैं इसके एंड में मतलब ये वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया मैप कैसे मैंने एडिट किया है, तो वीडियो के एंड में वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप सीनरी इन्जॉय करना और बीच बीच में मैं बताते जाऊँगा कि मैंने कैसे कैसे एक्सटेंड किया है और क्या क्या सीन हुआ है। और ये सीनरी आप इन्जॉय करना दोस्तों मस्त बढ़िया से। विन्हेरे स्टेशन पर से हमारा डिपार्चर होते हुए दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों रियल लाइफ में है विन्हेरे से बाहर, जैसे आप मतलब विन्हेरे स्टेशन को क्रॉस करोगे उसके बाद फटाक से आपको एक टनल दिखाई देगा, तो जैसे रियल लाइफ में दोस्तों वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। सो गाइस आई होप कि मतलब आपको रियल वाली फीलिंग आ रही होगी वीडियो देख के कि भाई चलो कोकण में ही हम लोग ट्रेन चलाएंगे। और गाइस मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि यार रूट भले ही डिले मिलेगा आपको, लेकिन रूट एकदम क्लास मिलेगा, एकदम मतलब ब्रांड रूट मिलेगा दोस्तों, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। और 100% आपको रूट खेल के भी बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक शॉट बता देता हूँ कि कौन कौन रूट में क्या क्या अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं वर्जन 5 में। तो सबसे पहला अपडेट जो आपको कौन कौन रूट वर्जन 5 में व्हाट्स न्यू में फर्स्ट सेक्शन पर अपडेट जो आएगा वो है दोस्तों रोहा टू खेड़ अपडेटेड सीनरी। तो ये है आपका फर्स्ट अपडेट कोंकण रूट वर्जन 5 में। और फिर सेकंड अपडेट जो आपको देखने मिलने वाला है वो है दोस्तों रत्नागिरी टू बिलौडे फुल अपडेटेड सीनरी। और थर्ड जो अपडेट है दोस्तों वो है मडगांव कोच केयर यार्ड और मडगांव स्टेशन का रीडेवलपमेंट, यानी कि रीडिज़ाइन जो किया है मडगांव स्टेशन को वो। ये तीन अपडेट दोस्तों आपको देखने मिलने वाले हैं। और अगर 18 से पहले खेड़ का पूरा काम कंप्लीट हो गया दोस्तों तो मैं और फोर्थ अपडेट भी आपको आपके लिए एक सरप्राइज़ अपडेट मैं डालने की कोशिश करूंगा कोंकण रूट के वर्जन 5 में। तो देखते हैं गाइस जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे मैं उसको करते जाऊँगा। लेकिन गाइस एक बात तो फिक्स है कि आपको 18 December को सुबह 11:30 दोस्तों कोंकण रूट वर्जन 5 आप सभी के लिए मैं रिलीज़ करने वाला हूँ दोस्तों। और ये फाइनल है दोस्तों, भले ही रूट का काम खेड़ दलग हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन 18 December सुबह 11:30 दोस्तों आप सभी लोग रेडी रहना कोंकण रूट के वर्जन 5 के लिए। और 101% दोस्तों 18 December को सुबह 11:30 आने वाला है कोंकण रूट वर्जन 5, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। और फिलहाल दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम लोग ने स्पीड अप करना शुरू कर लिया है और अभी हमारी ट्रेन टनल के बाहर निकली है। तो टनल का दोस्तों मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टनल का भी वीडियो अगर ये हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाऊँगा दोस्तों तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों टनल को हम लोग स्किप करेंगे और सिर्फ मेन सीनरीज को ही कवर करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर टाइम आप देख सकते हो 2:25 हो चुके हैं और 2:21 को हम लोग ने डिपार्चर लिया था दोस्तों विन्हेरे स्टेशन पे। और कोंकण रूट वर्जन 4 में दोस्तों ये विन्हेरे स्टेशन अवेलेबल ही नहीं था, मतलब वीर के बाद डायरेक्ट करंजाड़ी था, करंजाड़ी के बाद डायरेक्ट दीवान खाउटी और फिर खेल था। लेकिन गाइस कोंकण रूट वर्जन 5 में आप सबको वीर के बाद दिखाई देगा सापे वामने के बाद आपको दिखाई देगा करंजाड़ी के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा विन्हेरे, और विन्हेरे के बाद आपको दिखाई देगा दीवान खाउटी के बाद आपको दिखाई देगा दोस्तों कलमबानी, और कलमबानी के बाद फाइनली आपको दिखाई देगा दोस्तों खेड़। तो ये 3-4 स्टेशन को दोस्तों पूरा रीडिज़ाइन करने में थोड़ा प्लानिंग का भी ज़रूरत था, क्योंकि जो
वीर टू खेड़ का डिस्टेंस था दोस्तों वो काफ़ी कम था, सिर्फ 20-30 किलोमीटर्स का ही वो पैच था कोंकण रोड वर्जन 4 में। तो वो 20-40 किलोमीटर्स के पैच में दोस्तों ये सब स्टेशंस को ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इसके लिए दोस्तों जो मतलब वीर के आगे थोड़ा मतलब करण जाड़ी के बाद पूरा रूट को यू शेप में कर दिया गया दोस्तों, जो कि मैंने ये मैप का फ़ोटो भी वीडियो के एंड में बताया है, तो तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्चुअली सीन क्या था। तो वीर के बाद दोस्तों ऐसे मतलब पूरा यू शेप में कर दिया है, जिसके कारण दोस्तों ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स एक्सटेंड करने में हम मतलब सफल हो चुके हैं, हम सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों। तो अभी जो वीर टू खेड़ का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स का है, और टाइम टेकन की बात की जाए तो गाइस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा दोस्तों वीर टू खेड़ जाने में, मतलब ऐसे स्लो में। और अगर आप 60-70 किलोमीटर्स के स्पीड में जाओगे तो आराम से दोस्तों 1 घंटा तो आपको 100% लगने वाला है खेड़ टू वीर में। तो इतना दोस्तों मतलब डिस्टेंस बढ़ाया है हमारे अपकमिंग कोंकण रोड वर्जन 5 के इसमें। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा रूट भी डिले हुआ और थोड़ा रीडिज़ाइन करने में भी दोस्तों टाइम जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफिक देख सकते हो कोंकण रोड वर्जन 4 के कंपैरिजन में, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों कोंकण रोड वर्जन 5 में, और वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। बस आपको दिए हुए लिंक से एक्टिविटी और रूट को डाउनलोड करना है और सिंपल इंस्टॉल करके दोस्तों वो सबको आपको प्ले करना है। कोई भी रूट का चार्जेस देने की आपको गरज नहीं है दोस्तों, कोई भी आपको एक्टिविटी के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जीपी लिंक से डाउनलोड करना है दोस्तों, जिसके लिए मैं ट्यूटोरियल वीडियो भी वीडियो के साथ मतलब आपको दिखा दूंगा कि आप जीपी लिंक से कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप वीडियो फॉलो करते जाना, आपके गेम में 101% कोंकण रोड वर्जन 5 अच्छे तरीके से दोस्तों वर्क होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो आप मस्त बढ़िया से गांव के बाजू से हमारी ट्रेन गुजर रही है, और घर वगैरह देख सकते हो, तो कैसा घर वगैरह सब अरेंज किया है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और सीनरी कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और फिलहाल अभी हम लोग विन्हेरे टू करण जाड़ी के एकदम बीच सेक्शन में आ चुके हैं, और कुछ ही समय में हम लोग पहुँच जाएंगे करण जाड़ी स्टेशन पे। और गाइस सबसे मेन बात जो है ये वाले रूट पे कि अब आपको गाइस ये वाले इसमें आपको स्पीड लिमिट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, क्योंकि इसमें कर्व वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं दोस्तों मैंने कोंकण रोड वर्जन 5 में वीर टू खेड़ के। इसमें गाइस इतने बस मस्त मस्त बढ़िया से कर्व ऐड किए हैं, और वो कर्व पे दोस्तों आप ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको स्पीड लिमिट को फॉलो करना है, और मतलब 70 या फिर 65 km/h की जैसे आपको स्पीड लिमिट दिया जाएगा दोस्तों उस हिसाब से आपको स्पीड लिमिट को फॉलो करना है, फिर आपको कोई मतलब डेरेलमेंट का कोई आपको डर नहीं होगा, आराम से आप इंजॉय कर सकेंगे दोस्तों एक्टिविटी। और बात की जाए आपके मतलब अगर आपका समझो यूट्यूब चैनल है और आपको गेम प्लेस वगैरह अपलोड करना है, तो गाइस आप आराम से गेम प्लेस अपलोड कर सकते हो, लेकिन बस एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना आपके चैनल के नेम के साथ कि आपका चैनल का नेम क्या है और आप मतलब कौन से सेक्शन में गेम प्ले अपलोड करना चाहते हो, बस बाकी कुछ नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं होगे तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में भी आप बता सकते हो कि मतलब मुझे परमिशन चाहिए गेम प्ले बनाने के लिए, तो परमिशन तो गाइस मैं सबको दूंगा। गेम प्ले आप चाहिए उतना गेम प्ले बना सकते हो कोंकण रूट के, इसमें कोंकण रूट द कोस्टलाइन ऑफ गोवा और हमारा द साउथ कोंकण, ये 3 रूट पे दोस्तों आप जितने चाहो उतना गेम प्ले बना सकते हो। आप आयर महाराष्ट्र रूट पे भी बना सकते हो दोस्तों, लेकिन आयर महाराष्ट्र रूट और आयर नागपुर रूट ये 2 रूट के दोस्तों ओनरशिप हमारे ऑफिशियल ट्रेंस गेमर के यानी कि हर्षल भाई के, तो आप हर्षल भाई से ज़रूर उसके बारे में परमिशन ले लेना, और परमिशन के बिना गाइस गेम प्ले वगैरह कुछ अपलोड मत करना, नहीं तो बाद में वो कॉपीराइट वगैरह के चांसेस हो जाते हैं कि मतलब आप परमिशन नहीं लोगे तो फिर कॉपीराइट तो ज़रूर देंगे कोई भी। तो इसके लिए दोस्तों आप परमिशन एक बार ले लेना, हर्षल भाई भी नहीं नहीं बोलेंगे आपको, आपको परमिशन दे देंगे हर्षल भाई भी। अभी हर्षल भाई ने उनका रूट के गेम प्ले के लिए ग्रुप भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हर्षल भाई को यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो परमिशन के रिगार्ड, तो वो ज़रूर आपको परमिशन देंगे। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आप अभी वापस से हम लोग पहाड़ों के बीच में जाने वाले हैं, और यार कोंकण रूट की यही तो खासियत है यार कि मतलब जैसे आप टनल के बाहर निकलोगे पहाड़, पहाड़ के बाहर निकलोगे नदी, नदी के बाहर तो ऐसे मतलब ग्रीनरी से पूरा भरा हुआ है दोस्तों कोंकण। और एक बार तो दोस्तों आप सभी को रियल में यार कोंकण रूट में जर्नी करनी है,
मतलब मैं तो आपको पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि आप रेनी सीजन में दोस्तों कौन कौन रूट पे जर्नी करना, पूरा पनवेल टू मैंगलोर तलक, मड़गांव भी नहीं, मड़गांव के आगे भी बहुत मस्त मस्त बढ़िया से सीनरी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में यार एक बार तो कौन कौन रूट एक्सप्लोर करना बनता है दोस्तों। तो आप मस्त बढ़िया से मतलब रात के 12 के आसपास दोस्तों पनवेल से ट्रेन पकड़ना, मतलब आप पूरा डे टाइम पे कौन कौन रूट इन्जॉय कर सकोगे। सुबह 5-6 के आसपास आप इसमें पहुंच जाओगे, हमारा खेड़ के आसपास आप पहुंच जाओगे 5 के आसपास, फिर 5 मतलब खेड़ के आगे और मस्त मस्त सीनरी है। खेड़ तलक भी बढ़िया सीनरी है दोस्तों, ऐसी नहीं है कि खेड़ तलक इतनी अच्छी सीनरी नहीं है, लेकिन खेड़ के बाद भी दोस्तों मस्त बढ़िया बढ़िया सीनरी है, तो वो आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। और यहाँ पर देख सकते हो वापस से एक बार हम लोग टनल में घुस रहे हैं, और टनल को दोस्तों मतलब टनल के जो ऊपर ट्रीज़ वगैरह लगाए हैं वो कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ऐसे ही टनल में बनाऊँ कि नहीं या फिर कुछ चेंजेस करूँ वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और टनल को जैसे हम लोग ने स्किप किया यहाँ पर, और टनल के बाहर निकलते ही मस्त बढ़िया से कर्व पर दोस्तों हमारी ट्रेन, और कर्व देख सकते हो आप बहुत सही है। और यहाँ पर ऑफिस से हमको स्पीड लिमिट दिया है दोस्तों 60 km/h का, तो स्पीड लिमिट को फॉलो करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो कर्व पर क्या ही बढ़िया दोस्तों हमारी ट्रेन लग रही थी, और बहुत सारे कर्व आपको देखने मिलने वाले यार कौन कौन रूट वर्जन 5 में। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करना यार, इतनी मेहनत से आप सभी के लिए मैंने ये रूट क्रिएट किया है, और ये रूट गाइस मैंने सोलो ही किया है, मैंने अकेले ने ही ये रूट पूरा क्रिएट किया है, कुछ अपना पार्टनरशिप पे नहीं है दोस्तों ये रूट। और जो कोस्ट लाइन ऑफ गोवा है, कोस्ट लाइन ऑफ गोवा दोस्तों हमारे समेज भाई ने बिल्ड किया है, और द साउथ कोंकण है, साउथ कोंकण भी मैंने और समेज भाई ने दोनों मिलकर हम लोग ने ये रूट क्रिएट किया है, और कोंकण रूट वर्जन 5 सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है दोस्तों। तो इसके लिए लाइक तो बनता है यार, तो लाइक ज़रूर करना, और इन फ्यूचर दोस्तों आपको बहुत सारे मस्त मस्त बढ़िया अपडेट्स देखने मिलने वाले कोंकण रूट वर्जन 5 के और द कोस्ट लाइन ऑफ गोवा के भी। और कोस्ट लाइन ऑफ गोवा पे मेरे ख्याल से समेज भाई कौन सा तो अपडेट लाने वाले हैं आप सभी के लिए, तो वो सरप्राइज़ अपडेट होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जब भी वो अपडेट आए तो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर सके। और ये देख सकते हो मस्त बढ़िया सी रिवर के ऊपर से हमारी राजधानी एक्सप्रेस जा रही है दोस्तों, और सही तरीके से बढ़िया तरीके से मस्त नदी को पार करते हुए वापस हम जंगल में आ चुके हैं, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और स्पीड को अभी हम लोग कम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं दोस्तों करंजाड़ी रेलवे स्टेशन। तो यार आप में से कोई करंजाड़ी का होगा तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार मैं करंजाड़ी का हूँ करके, ऐसा मैं तो रत्नागिरी का हूँ दापोली साइड। और यहाँ पर देख सकते हो आप 42-43 किलोमीटर की स्पीड पर अभी हम लोग चल रहे हैं, और मस्त कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन घुस रही है दोस्तों टनल के अंदर, देख सकते हो आप। और ये होने वाला है दोस्तों आज के हमारे इस वाले वीडियो का लास्ट टनल, और इसके बाद हम लोग अप्रोच होंगे, यानी कि अराइव होंगे करंजाड़ी रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त करंजाड़ी का वो आइकॉनिक, क्या बोलते हैं, आइकॉनिक कर्व दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर करंजाड़ी रेलवे स्टेशन का, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों करंजाड़ी का वो कर्व, मतलब बहुत सही है। पहाड़ों के बीच में एक बसा हुआ छोटा सा करंजाड़ी रेलवे स्टेशन, और उसका ये बढ़िया सा कर्व जैसे कि देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया तरीके से कर्व लेते हुए हमारी राजधानी एक्सप्रेस। और लूप लाइन से यहाँ पर दोस्तों बिछना बिखरना शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और मेन लाइन से ये पहली लूप लाइन जा चुकी है, और हमको भी लूप लाइन पर डाला जाएगा, क्योंकि आज का इस वाला मतलब ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होने वाला है, मतलब यहीं पर मतलब ये वाले इस पे एंड होने वाला है, ये वाले स्टेशन पे, मतलब स्टेशन को हम लोग क्रॉस करेंगे आगे, थोड़ी सीनरी आपको बता दूंगा दोस्तों करंजाड़ी के आगे वाली। लेकिन करंजाड़ी टू सापे वामने की सीनरी गाइस आप सीधा गेम में ही देख लेना, डाउनलोड करके प्ले करके डायरेक्ट देख लेना दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हम लोग लूप लाइन पर आ चुके हैं, और हमारी मेन लाइन बिखर चुकी है यार हमारे साथ, मतलब हमारे इसमें से यार कुछ ज़्यादा ही क्रिंज हो रहा है दोस्तों आज का वीडियो। और यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि करंजाड़ी स्टेशन के बाहर जो ब्रिज है दोस्तों, वही मैंने यहाँ पर रियल लाइफ में भी बनाने की कोशिश की है, वो वाला ब्रिज। और यहाँ पर देख सकते हो करंजाड़ी का स्टेशन बोर्ड, करंजाड़ी रेलवे स्टेशन।
और ये देख सकते हो दोस्तों, ये क्या ही बढ़िया सीन है। हमारा ईओ जी अभी तक मेन लाइन पर, सॉरी लूप लाइन पर नहीं आया है, अभी तक ट्रैक ही चेंज कर रहा है दोस्तों, और हम तो आ चुके हैं लूप लाइन पर। और देख सकते हो सीनरी कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे अच्छी सीनरी आपको कौन सी लगी आज के इस वाले वीडियो में, वो भी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये हमारा करंजाड़ी रेलवे स्टेशन, और हमारी आज की ये वाली एक मस्त बढ़िया बेहतरीन सी जर्नी कंप्लीट होती है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ करंजाड़ी रेलवे स्टेशन का, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे मैंने वीर टू खेड को मतलब डिस्टेंस कैसे बढ़ाया, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो और 5 मिनट का वीडियो बचा है, तो गाइस और थोड़ा 5 मिनट आप वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे मतलब किलोमीटर्स को बढ़ाए हैं, कैसे डिस्टेंस बढ़ाया है मैंने कोंकण रूट वर्जन 5 का। और ये बार दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस का ये भी देख सकते हो आप, बोर्ड भी देख सकते हो हमारी ट्रेन पर नेम बोर्ड। और फाइनली अभी हमारी ट्रेन यहाँ पर करंजाड़ी स्टेशन पर रुक चुकी है दोस्तों। तो फटाफट मैं आपको करंजाड़ी रेलवे स्टेशन का यहाँ पर टूर दे देता हूँ। तो करंजाड़ी स्टेशन पे भी दोस्तों आपको एक मेन लाइन और 2 लूप लाइन दिखाई देंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और सबसे अच्छा सीन जो मुझे करंजाड़ी का लगता है दोस्तों, वो है ये वाला सीन एकदम लास्ट में, करंजाड़ी के एकदम लास्ट इस पे प्लेटफॉर्म पर। और देख सकते हो करंजाड़ी का स्टेशन बोर्ड, और ये जो कर्व है ना दोस्तों, ये जो कर्व यार मस्त कर्व है, एकदम जन्नत बढ़िया कर्व है दोस्तों। और सबसे सही तो दोस्तों जब यहाँ पर ट्रेन अराइव होती है ना, वो तो एकदम ऑसम यार, मतलब जन्नत एकदम बढ़िया। जब ट्रेन आती है ना मतलब खेड़ से ऐसे कर्व में अराइव होती है ना दोस्तों करंजाड़ी के प्लेटफॉर्म पर, बहुत मस्त लगता है यार, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। तो वो सब आप गेम में इंजॉय करना, बस एक वीक तो रुकना है दोस्तों, बस 18 दिसंबर सुबह 11:30 बजे आ जाएगा आपके लिए सबके लिए कोंकण रूट वर्जन 5, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको लिंक से डाउनलोड करना है दोस्तों और फिर प्ले करना है। और ऑब्जेक्ट्स भी दोस्तों आपको सेम होने वाले कोंकण रूट वर्जन 4 वाले ही, तो ऑब्जेक्ट्स के भी आपको वापस से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड किए हैं उसकी मैं सेपरेट लिंक दे दूँगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स भी दोस्तों 50 MB के ऊपर नहीं होंगे। तो पूरा ओवरऑल रूट की बात की जाए तो दोस्तों आपको मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट्स पहले से इंस्टॉल करके रखे होंगे तो ओवरऑल 60-70 MB के अंदर दोस्तों आपका रूट मतलब दिखने में एकदम प्रॉपर तरीके से विजिबल होने वाला है दोस्तों। 70 MB का ये हमारा रूट होने वाला है कोंकण रूट वर्जन 5 विथ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स। और अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 GB के आसपास हमारा ये वाला दोस्तों कोंकण रूट वर्जन 5 जाने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की साइज़ बहुत ज़्यादा है और रूट की साइज़ बहुत कम है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो मैंने यूज़ किए दोस्तों, ऑलमोस्ट 95% ऑब्जेक्ट्स मैंने दोस्तों हमारे द साउथ कोंकण रूट और द कोस्टलाइन ऑफ गोवा, ये सब रूट के ही ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। तो अगर आपने वो वाले ऑब्जेक्ट्स पहले से डाउनलोड करके रखे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स डाउनलोड करने हैं जिसकी साइज़ आपको ऑलमोस्ट 50-70 MB होने वाली है बस, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की गरज नहीं है। जितना मैं आपको लिंक दूंगा बस उतना डाउनलोड कर लेना और गेम इंस्टॉल करके मस्त बढ़िया तरीके से प्ले कर लेना दोस्तों। बहुत ज़्यादा ही कुछ आज दोस्तों बात कर ली। और यहाँ पर देख सकते हो करंजाड़ी स्टेशन पे हम लोग ने डिपार्चर ले लिया है दोस्तों, डिपार्चर करंजाड़ी स्टेशन से। और अभी हम लोग पूरा जर्नी नहीं करेंगे सापे वामने तलक, जैसे ये ट्रेन अब अगले टनल में घुस जाएगी और फिर हम लोग वीडियो को करने वाले हैं एंड। और देख सकते हो अभी हम लोग लूप लाइन से हमारी राजधानी एक्सप्रेस करंजाड़ी स्टेशन के लूप लाइन से मेन लाइन पर शिफ्ट हो रही है। और ये जो ट्रेन है दोस्तों उसका रत्नागिरी के बाद ऑफिशियल हॉल्ट है पनवेल, लेकिन गाइस आप सभी के लिए दोस्तों मैंने ये वाले ट्रेन को विन्हेरे और करंजाड़ी पे हॉल्ट दिया है। तो यार इसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। मतलब जैसे आप मतलब सब्सक्राइब करोगे ना, एक सब्सक्राइब करो ना फिर मैं आप सभी के लिए एक और रूट लेके आऊँगा, मतलब मोटिवेट मिलता है कि यार चलो बंदे लोग को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बंदे मतलब अच्छे लग रहे हैं बंदे लोग को, तो और मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार कुछ तो नया करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों
कुछ नया देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और ये सीनरी आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सामने है मस्त बढ़िया सा टनल, और उसके पहले हम लोग ने क्रॉस किया है मस्त बढ़िया सा वायाडक्ट। और ये जो वायाडक्ट है उसका नाम है दोस्तों करंजाड़ी वायाडक्ट, करंजाड़ी पुल, जो कि मैं अभी गांव से आ रहा था तभी मैंने देखा था दोस्तों करंजाड़ी आउटर पे इसका नाम। तो वैसे ही दोस्तों मैं ट्राई करूँगा हर एक इसका नाम लिखने की हमारे कौन-कौन वर्जन 5 में, ताकि आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक फील आ सके। तो गाइस आई होप कि दोस्तों आपको आज का ये वाला हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वाला कॉन्कॉर्ड वर्जन 5 का अपडेटेड वर्जन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वाला वीडियो और ये वाला अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और आपके दोस्तों में भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। लेकिन आप ये मत सोचना कि अभी वीडियो एंड हुआ है, अभी सबसे मेन बात बची है दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैप व्यू, और मैप व्यू से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ने ये वाला मतलब कैसे मैंने ये वाला जो रूट है उसको मतलब किलोमीटर्स बढ़ा है, एक्सटेंड किया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये जो यू शेप आप देख रहे हो बीच में वो है दोस्तों मेन कारण एक्सटेंड होने का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वीर स्टेशन, रुको मैं वीर स्टेशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों हमारा है सापे वामने, तो सापे वामने स्टेशन यहाँ पर है, और सापे वामने के बाद डायरेक्ट ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हो ना दोस्तों, तो ये जो ग्रे कलर का था वहाँ पर पहले खेड़ रेलवे स्टेशन था। तो वो जो ये पर ग्रे कलर का था दोस्तों वो और वीर स्टेशन के बीच में ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स का ही सिर्फ डिस्टेंस था, जो कि दोस्तों अभी हम लोग ने जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो मैंने आपको जूम करके अभी बताया, उसके बाद दोस्तों एक मस्त शार्प कर्व है सापे वामने के बाद, जो कि सापे वामने को करंजाड़ी से कनेक्ट करता है दोस्तों यू शेप में। और जो करंजाड़ी पे यहाँ पर आप देख सकते हो जो अभी करंजाड़ी से फिर ऐसे आगे आगे जाएंगे दोस्तों, फिर वापस ऐसे कर्व होगा विन्हेरे स्टेशन के बाद, और फिर विन्हेरे स्टेशन के बाद दोस्तों कर्व होके वो दीवान खौटी और फिर कलम्बानी और खेड़। तो ऐसा दोस्तों मतलब ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स दोस्तों हम लोग ने यू शेप में कवर किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में भी आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना थोड़ा दोस्तों 70 किलोमीटर्स का अपडेट आप सभी के लिए मैं लेके आ गया हूँ कॉन्कॉर्ड रूट वर्जन 5 में। तो इसका आपको मतलब 18 दिसंबर सुबह 11:30 आप इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर आप दीवान खौटी स्टेशन देख सकते हो दोस्तों, मतलब नहीं ये नहीं, ये तो मतलब हमारा खेड़ का है, यहाँ पर जो ग्रे है दोस्तों वहाँ पर कलम्बानी बनेगा, और यहाँ पर खेड़ रेलवे स्टेशन पहले से ही एग्जिस्ट है। तो सिंपल आपको सिर्फ उसको मैं रिमॉडिफाई करने वाला हूँ, रिमॉडिफाई मतलब दोस्तों उसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूंगा, थोड़ी सी सीनरी भी अच्छी खासी ऐड कर दूंगा, और एकदम रियलिस्टिक दोस्तों हम लोग खेड़ स्टेशन को बनाएंगे दोस्तों। तो गाइस आई होप कि दोस्तों आज का ये वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको ये वाला वर्जन अच्छा लगा होगा कॉन्कॉर्ड रूट वर्जन 5 का अपडेटेड। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं।